इस समय पूरे इंडिया में अगर किसी एक प्लेयर के बारे में चर्चा हो रही है तो वो केएल राहुल है, क्योंकि उनका फॉर्म बहुत खराब है और वर्ल्ड कप जाने से पहले भी कई सारे लोगों के मन में सवाल था कि क्या वो वाकई में वर्ल्ड कप टीम में डिजर्व करते हैं। जिस तरीके से केएल राहुल यू नो एशिया कप में भी फ्लॉप रहे थे, बायलैटरल सीरीज में हमेशा ही केएल राहुल ने रन बनाया, लेकिन बड़े मैचेस में, इंपैक्टफुल मैच में जहां पर रन चाहिए वहां पर केएल राहुल के बल्ले से रन निकले नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने एक नए कोच को ढूंढ लिया है जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, और ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के द किंग विराट कोहली के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। आज टीम इंडिया एडिलेड में अभ्यास करने के लिए उतरी क्योंकि उनका मैच है बांग्लादेश के खिलाफ कल, एंड यू नो जब बैटिंग कर रहे थे केएल राहुल तो उनके साथ में बैटिंग कोच विक्रम राठौर भी थे, लेकिन अचानक ही एक गेंद आई जो कि ऑफ स्टंप से बाहर थी, अचानक ही गेंद उछली और ठीक तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाए केएल राहुल, और यही उनकी परेशानी रही है। आपको याद होगा कि लुंगी सानी एनगिडी के खिलाफ जो अचानक ही गेंद उछली थी उसे वो गाइड करने के लिए गए थे एंड स्लिप में वो कैच देकर चले गए, और ये परेशानी केएल राहुल की रही है। तो वहां पर हेल्प करने के लिए आए नन अदर देन द किंग विराट कोहली, और उन्होंने अच्छे खासे मतलब आप कहेंगे कि काफी समय दिया वहां पर केएल राहुल को, और जिस तरीके से वो समझा रहे थे, बता रहे थे कि आपको कब बैकफुट पर जाना है, कब फ्रंट फुट पर आना है, और अगर आपने मान लीजिए कि अपने वेट को कमिट कर दिया फ्रंट फुट पर तो किस तरीके से रिएक्ट करना है अगर अचानक ही गेंद उछलती है। कई बार आप देखेंगे कि गेंद अगर फ्रंट फुट पर आपका कोई बल्लेबाज है और गेंद अचानक ही उछलती है तो वो एक हाथ छोड़ देता है ताकि यू नो वो पार जनरेट ना कर सके, और गेंद अगर यू नो बल्ले के अगर ऊपरी हिस्से में भी लगती है तो फिर वहीं पर डिप कर जाती है। आप जनरली देखेंगे कि इस तरीके से बल्लेबाज एक हाथ को छोड़ देते हैं और ये मतलब कि ये आप एक फंक्शनल हो जाता है, आपका बॉडी इसी तरीके से रिएक्ट करने लग जाता है। तो वही समझा रहे थे विराट कोहली और शायद केएल राहुल को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको राइजिंग बॉल को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से छोड़ना है। मेरे ख्याल से एक और चीज वो यकीनन जो मैंने देखा वीडियो उसके माध्यम से मुझे लग रहा है कि एक और चीज समझाने के बारे में कोशिश कर रहे थे विराट कोहली कि केएल राहुल को कि किस गेंद को खेलना है और किस गेंद को छोड़ना है। आपको याद होगा कि दो दफा नसीम शाह जो है उन्होंने बोल्ड किया केएल राहुल को, एक एशिया कप में और एक वर्ल्ड कप के पहले मैच में, और वहां पर भी केएल राहुल मतलब डबल माइंडेड लग रहे थे कि गेंद को खेलूं गेंद को छोड़ूं, और ऐसे में गेंद जो है वो बल्ले का अंदरूनी किनारा मतलब कि निचले हिस्से पर लगकर स्टंप्स पर लगी है, प्ले डाउन हो गए दो बार केएल राहुल। तो लग रहा है कि राइजिंग बॉल और किस बॉल को किस तरीके से जज करना है ये कम से कम विराट कोहली ने उनको बताया है, एंड ही इज अ ग्रेट गाई यार। विराट कोहली सबकी मदद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली ने जिस तरीके से अपने फॉर्म में आने के बाद रन बनाए, अगर केएल राहुल भी टीम इंडिया के लिए उसी तरीके से रन बनाए तो एक बहुत जो सरदर्द है टीम इंडिया का वो सॉल्व होते हुए नजर आएगा। तो उम्मीद करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ जो गाइड किया विराट कोहली ने उसका असर देखे और केएल राहुल के बल्ले से रन निकले। लेकिन आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।